सुमन भाई बच्चों, आज आपको हम वर्ण विन्यास के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि आपने इससे पहले वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, इसके बारे में जान चुके हैं। क्योंकि कोई भी शब्द या पद वर्णों के संयोजन से बनते हैं। वर्णों या अक्षरों के मिलाने से शब्द या पद बनता है। शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं, इसे इसके बाद लाएंगे। वर्णमाला के इन वर्णों को मिलाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहा जाता है। जैसे द जोड़ ए, द हमन जोड़ ए, व हमन जोड़ अ, देव। ठीक उसी प्रकार से व हलन जो ई जो द हलन जो य हलन जो आ जो ल हलन जो अ विद्याया एवं प्रकार से अनेक शब्दों को हम बना सकते हैं। जैसे बालक ब हलन जोड़ आ जोड़ ल हलन जोड़ अ जोड़ प हलन जोड़ अ बालक। वर्ण वियोजन किसे कहते हैं, सब दो या पदों में मिले हुए वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण वियोजन कहते हैं। जैसे चलती पद है, इनको अलग करने की प्रक्रिया वर्ण वियोजन कहलाती है। जिसे च हलन जोड़ अ जोड़ ल हलन जोड़ अ जोड़ हस्ती चलती। ठीक इसी प्रकार से गच्छति ग हलन जोड़ अ जोड़ च हलन जोड़ छ जोड़ हलन अ जोड़ त हलन जोड़ ई। राम रो हलन जोड़ आ जोड़ म हलन जोड़ अ राम राम। बालिका ब हलन जोड़ आ जोड़ ल हलन जोड़ ई जोड़ क हलन जोड़ आ। इस प्रकार से आप अनेक पदों शब्दों को अलग अलग करके वर्ण वियोजन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से वर्ण संयोजन की प्रक्रिया को भी हम करते हैं। कृषक क हलन जोड़ ऋ जोड़ क हलन जोड़ मूर्धन स जो अ जो क हलन जो अ कृषक। हाद त ह हलन जोड़ आ जो क हलन
शब्द का वर्ण योजन करना है तो महान जो हस्तपूर्ण जो नहवन जो हस्ती पुस्तकम पहलान जो हस्तपू जो सहलान जो कहलन जो अ जो महलन ध्यान देना है जिन वर्णों के अक्षरों के नीचे हलन की मात्रा लगी होती है वो आधे होते हैं ठीक। अब आप कुछ शब्दों का वर्ण वियोजन करके अभ्यास करेंगे जैसे और स्व और जो सहलन जो वहलन जो अ निर्गह महलन जो री जो गहलन जो अ शब्दों का हम वर्ण योजन करते हैं। अब आप इन सब वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए अलग जोड़ हलन जो स जो बराबर अच्छी हलन जो अ जो ग हलन जो अ तो आप वर्णों के बारे में जान चुके हैं वर्णमाला किसे कहते हैं पुनः हम इसको दोहराते हैं भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं वर्ण तीन प्रकार के होते हैं स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण और अयोभा। स्वर किसे कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी होती है वे स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं और अयोगवाह किसे कहते हैं अयोगवाह अनुस्वार और विस्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है इसे हम
चिन्हों के द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे अनुस्वार, और अब इतना ही, फिर अगली कक्षा में।